कोरोना संदिग्ध एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर अंबाला छावनी में जमकर हंगामा हुआ। गांव चंदपुरा को अब पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में तोपखाना के रहने वाली एक महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर खूब हंगामा हुआ। कोरोना वॉरियर्स पर गांव चंदपुरा के ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में डीएसपी एसएचओ सहित करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। हालात ये रहे कि पुलिस को स्थिति बिगड़ते देख करीब 4 हवाई फायर करने पड़े, जिसके बाद ग्रामीण पीछे हटे। इतना ही नहीं, जिस एम्बुलेंस में महिला का शव लाया गया उसका शीशा भी लोगों ने पत्थर मार कर तोड़ दिया। स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि गांव का शमशान घाट पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सस्पेक्टेड कोरोना की एक लेडी की डेथ हुई थी, जो तोपखाना की रहने वाली थी, और सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से कोविड के लिए जो संस्कार संस्थान स्थान है वो इस गांव का जो शमशान घाट है उसको बनाया था। तो आज हेल्थ की टीम, कमेटी की टीम और हमारी पुलिस की टीम यहां पे डेड बॉडी लेके आई थी, तो गांव वाले लोगों ने उसका विरोध किया। 100-150 आदमी लॉकडाउन तोड़ते हुए यहां पे इकट्ठे हो और सरकारी काम में बाधा डाली। जब उनको समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, पथराव किया, जिसके उपरांत पुलिस ने भी अपना अड़का बल प्रयोग किया और उसमें हमने कुछ आदमियों को डिटेन भी किया और उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो होगा वो किया जाएगा। जिसने भी कानून हाथ में लिया और जो आगे लेगा उसके खिलाफ यही एक्शन होगा। सर, कोई पुलिसकर्मी हमारे घायल भी हुए? कुछ पुलिसकर्मी का भी बातचीत हो नहीं पाई, कईयों की चोट लगी होगी। और पुलिस के चोट लगना आज के टाइम में, एम्बुलेंस को तोड़ दिया उन्होंने, जो अपने आप में एक बहुत घनिष्ठ अपराध आज की डेट में। एम्बुलेंस के ड्राइवर को जान से मारने की कोशिश करी घेर के, वो बड़ी मुश्किल से जान मचा के गांव एम्बुलेंस को गांव से लेके भागा, तो उसका पता करेंगे वो कौन सा ड्राइवर था, शायद उसके चोट लगी होगी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया है। इस दौरान वीडियो और फोटोग्राफी भी पुलिस ने की, जिसके आधार पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों की पहचान की गई है। पुलिस की माने तो करीब 50 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी जारी है, जबकि 150 अन्य लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। न्यूज़ डेस्क।